आज से आईपीएल की शुरुआत होने जा रही है और सभी सुपर एक्साइटेड हैं। इस बार का आईपीएल कई मायनों में अलग होने जा रहा है, जिस पर हम आगे बात करेंगे। आईपीएल की ओपनिंग की बात करें तो टूर्नामेंट का पहला मैच चेन्नई के चिपॉक स्टेडियम में खेला जाएगा, जहां मुकाबले की शुरुआत से पहले होगी ओपनिंग सेरेमनी। ये ग्रैंड ओपनिंग सेरेमनी हमेशा होती है और आईपीएल की तरफ से जो ओपनिंग सेरेमनी के लिए सेलिब्रिटीज की लिस्ट दी गई है, उसमें अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ, सोनू निगम और एआर रहमान का नाम शामिल है। इसके अलावा आपको नजर आएंगे स्वीडिश डीजे एक्सवेल भी। जी हाँ, आईपीएल 2024 का पहला मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच खेला जाएगा। इन दोनों के बीच होने वाले आईपीएल 2024 के शुरुआती मुकाबले से पहले एक बड़ी खबर सामने आई है, वो ये कि महेंद्र सिंह धोनी ने कप्तानी छोड़ दी है। इस खबर ने सीएसके के नहीं बल्कि सभी क्रिकेट प्रेमियों को निराश किया है। आईपीएल के इस सीजन में पिछले चैंपियन रहे सीएसके की कप्तानी अब धोनी की जगह ऋतुराज गायकवाड़ करेंगे। इस खबर के बाद सोशल मीडिया पर धोनी के फैंस काफी इमोशनल हो गए हैं और होना बनता भी है। हालांकि पहली बार नहीं है जब धोनी ने कप्तानी छोड़ी। इससे पहले आईपीएल 2022 में भी टीम मैनेजमेंट ने कप्तानी में बदलाव किया था और स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा को धोनी की जगह कैप्टन बनाया था। हालांकि रविंद्र जडेजा कुछ खास इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को ठीक से पूरा नहीं कर पाए और लीग मैचेस में टीम को करारी हार का सामना करना पड़ा और इसी वजह से टीम का साथ उन्होंने बीच सीजन में ही छोड़ दिया था और कप्तानी से भी इस्तीफा दे दिया। इसके बाद धोनी ने एक बार फिर से कप्तानी को संभाला था। पिछले सीजन में टीम ने अपना पांचवा खिताब जीता था। खैर, देखते हैं कि इस बार क्या होगा। विराट कोहली, रोहित शर्मा और महेंद्र सिंह धोनी उन भारतीय स्टार खिलाड़ियों में से हैं जो आईपीएल 2008 के पहले सीजन से ही इस टूर्नामेंट से जुड़े हुए हैं और इन्होंने लंबे समय तक टीम की कमान भी संभाली है। धोनी और रोहित तो आईपीएल के सबसे सफल कप्तानों में शामिल हैं, जिनके नेतृत्व में टीम ने कई बार आईपीएल के खिताब जीते हैं, लेकिन अब ये तीनों ही आईपीएल में सिर्फ एक खिलाड़ी के तौर पर मैदान में नजर आएंगे। खबर एक और भी है, आईपीएल 2024 के लिए जब कप्तानों का ट्रॉफी के साथ फोटोशूट किया गया तो इस दौरान पंजाब किंग्स के कप्तान शिखर धवन उसमें से गायब नजर आए। जितेश शर्मा ने पंजाब किंग्स का प्रतिनिधित्व किया। ऐसे में फैंस के मन में कई तरह के सवाल होने लाजमी थे। इसकी वजह क्या है वो भी जान लीजिए। अगर कप्तान फोटोशूट के लिए नहीं पहुंच पाता तो जो कप्तान होता है वो ट्रॉफी के साथ पोज देता है। जितेश शर्मा आईपीएल 2024 के लिए पंजाब किंग्स के आधिकारिक उप कप्तान है। शिखर धवन यात्रा की वजह से फोटोशूट के लिए नहीं पहुंचे और यही वजह है कि जितेश शर्मा ने उनकी जिम्मेदारी निभाई। खबर हालांकि ये भी आई है कि शिखर धवन थोड़े से बीमार है लेकिन मैच से पहले वो फिट हो जाएंगे। इस बार नए रूल्स भी लाए गए हैं। पहला कि गेंदबाजों को प्रति ओवर 2 बाउंसर डालने की परमिशन मिली है, जो पहले 1 थी। दूसरा, बाउंसर नियम की शुरुआत के साथ ही आईपीएल 2024 स्मार्ट फ्री प्ले सिस्टम के साथ टूर्नामेंट की शुरुआत करेंगे, जो अंपायरिंग निर्णयों में क्रांति लाने के लिए एक अत्याधुनिक तकनीक है। मैदान के चारों तरफ होंगे 8 हाई स्पीड हॉक आई कैमरे। ये प्रणाली टीवी अंपायर की मदद करेगी कि वास्तविक तस्वीरें क्या है, जिससे जल्दी ही और सटीक निर्णय लेने में उनको मदद मिलेगी। तो पहला मैच काफी एक्साइटमेंट वाला होने वाला है, क्योंकि आमने सामने होंगे मिस्टर कूल धोनी और किंग कोहली। साल 2019 अगर आपको याद हो तो आरसीबी और सीएसके के बीच में आईपीएल का पहला मुकाबला खेला गया था, जिसे धोनी की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता था। अब ठीक 5 साल बाद फिर से ऐसा ही होने जा रहा है। क्या आरसीबी की टीम उस हार का इस बार बदला लेगी? आप किस टीम को सपोर्ट करते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।